एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा, एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है, क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सुलेमान मैडी ने सपना देख खा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है, लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है, जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आर्चर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से, जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है, दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल और इसे
प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन, एलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर, और स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, जेनिफर कोनेली, जिमोन हॉर्शो, माइकल शीन, अर्नोल्ड वोसुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दी है एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन, वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर। और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $100 मिलियन बॉक्स ऑफ 100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $121.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमैन वार्डी के रूप में जिमोन हॉर्शो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांग स्क्वेयरपर्स डीएम वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वार्डी के रूप में बैनू मैन लुकोला को, नया वद्रो के रूप में अभिषेक करना है डेविड हर वुड, कैप्टन पाइजन के रूप में बेजामिन कपनाए के रूप में बैसिल वालेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट सिम्स के रूप में माइकल सिन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर की थियन डी सेमंस, डीजे बॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वाकर के रूप में मेट के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथस्मेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन थोलोमनेक, वैश्या के रूप में कॉकटेल मॉरियल, वैश्या के रूप में गौरव चोपड़ा, फ्रेंच पत्रकार के रूप में समाचार रिपोर्टर के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेवन यानी कि बिजनेस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरिमेलिन डी के प्रियो बिजनेस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा, एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है, क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सोलोमैन वैंडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है, लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है।
अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में शोलोमैन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमैन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है, जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आर्चर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से, जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है, दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल, और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन, अलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर, और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, जेनिफर कोनेली, जिमोन हॉर्सो, माइकल शीन, ओर्नोल्ड वोर्सुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन, वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $171.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमैन वाडी के रूप में जिमोन हॉर्सो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुएपर्स, दिया वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वाडी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नयाद वद्रो के रूप में अभिषेक करना है, डेविड वुड कैप्टन पाइजन के रूप में, बेजामिन कपनाय के रूप में बैसिल वॉलेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट, सिम्स के रूप में माइकल सिन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, कीथियन डी सैमंस, डीजे बॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वॉकर के रूप में मेट के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथ्समेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन, थोलोमनेक वैश्या के रूप में, कॉकटेस मॉरियल वैश्या के रूप में,
गौरव चोपड़ा फ्रेंच पत्रकार के रूप में, समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर होलमैन, सैम इलियट के रूप में डैन यानी बिना सरे एयरपोर्ट पर, हम महिला के रूप में एरिमेलिन डे के प्रियो बिना सरे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा, एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित, एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सुलेमान मैडी ने सपना देख खा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है, लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आचर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है। दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन,
एलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर और स्टारिक दिए हैं, लियोनार्डो डी कैप्रियो, जेनिफर कोनेली, जिमोन हॉर्शो, माइकल शीन, अर्नोल्ड वोर्सुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन, वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर। और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $100 मिलियन बॉक्स ऑफ 100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $121.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमैन वार्डी के रूप में जिमोन हॉर्शो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुएपर्स, दियम वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वार्डी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नया वद्रो के रूप में अभिषेक करना है डेविड हर वुड, कैप्टन पाइजन के रूप में बेजामिन कपनाए के रूप में बैसिल वालेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट सिम्स के रूप में माइकल सीन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, कीथियन डी सेमंस डीजे बॉ के रूप में, स्टीफन कॉलिंस राजदूत वाकर के रूप में, मेट के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथस्मेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन थोलोमनेक, वैश्या के रूप में कॉकटेल मॉडल वैश्या के रूप में, गौरव चोपड़ा फ्रेंच पत्रकार के रूप में, समाचार रिपोर्टर के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेवन यानी कि बिजनेस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरिमेलिन डी के प्रियो बिजनेस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा, एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सोलोमैन वैंडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है, लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का
एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है, जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आर्चर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ने असाधारण खुरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से, जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है, दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन, अलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, जेनिफर कोनेली, जिमोन हॉर्सो, माइकल शीन, ओनोल्ड वोर्सुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन, वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $171.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमन वाडी के रूप में जिमोन हॉर्सो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुएपर्स, दिया वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वाडी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नयाद वद्रो के रूप में अभिषेक करना है, डेविड वुड कैप्टन पाइजन के रूप में, बेजामिन कपनाय के रूप में बैसिल वॉलेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट सिम्स के रूप में माइकल सिन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, कीथियन डी सैमंस, डीजे बॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वॉकर के रूप में मेट के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथ्समेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन, थोलो मनैक वैश्या के रूप में, कॉकटेस मॉरियल वैश्या के रूप में, गौरव चोपड़ा फ्रेंच पत्रकार के रूप में, समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेवन यानी कि बिनस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरी मेलिन डी कैप्रियो बिनस रे।
आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा, एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित, एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है, क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सुलेमान मैडी ने सपना देख खा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है, लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है, जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आर्चर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में के खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से, जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है, दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल, और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन, एलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर, और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, जेनिफर
कोनेली, जिमोन हॉर्शो, माइकल शीन, ओनोल्ड वोर्सुल इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं, एडुआर्डो सेरा इसे एडिट किया, स्टीवन रोसेटबॉल इसे म्यूजिक दिया, जेम्स न्यूटन हाउड इसके प्रोडक्शन कंपनी है, बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $100 मिलियन बॉक्स ऑफ 100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $121.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमन वाडी के रूप में जिमोन हॉर्शो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुएपर्स डीएम वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वॉडी के रूप में बैनू मैन लुकोला को नया वद्रो के रूप में अभिषेक करना, डेविड हरवुड कैप्टन पाइजन के रूप में, बेजामिन कपनाए के रूप में बैसिल वालेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट सिम्स के रूप में माइकल सीन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर की थियन डी सेमस, डीजे बॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वाकर के रूप में मेट के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशराडो, पर्सी मॉथसमेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन थोलोमनेक वैश्या के रूप में, कॉकटेल मॉरियल वैश्या के रूप में, गौरव चोपड़ा फ्रेंच पत्रकार के रूप में, समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेवन यानी कि बिजनेस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरिमेलिन डी के प्रियो बिजनेस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा, एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सोलोमैन वैंडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके
बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है, जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आर्चर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से, जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है, दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल, और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन, अलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर, और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, जेनिफर कोनेली, जिमोन हॉर्सो, माइकल शीन, ऑर्नोल्ड वोर्सुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन, वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $171.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमन वाडी के रूप में जिमोन हॉर्सो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुएपर्स, दिया वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वाडी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नयाद वद्रो के रूप में अभिषेक करना है, डेविड हरवुड कैप्टन पाइजन के रूप में, बेजामिन कपनाय के रूप में बैसिल वालेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट, सिम्स के रूप में माइकल सिन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, कीथियन डी सैमंस, डीजे बॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वाकर के रूप में मेट के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथ्समेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन, थोलो मनैक वैश्या के रूप में, कॉकटेस मॉरियल वैश्या के रूप में, गौरव चोपड़ा फ्रेंच पत्रकार के रूप में, समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेवन यानी कि बिनस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरिमेलिन डे के प्रियो बिनस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा, एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सुलेमान मैडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है, लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आचर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था ने असाधारण खुरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है। दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन, एलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, जेनिफर कोनेली, जिमोन हॉर्सो, माइकल शीन, अर्नोल्ड वोसुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम
जेम्स न्यूटन हार्ड, इसकी प्रोडक्शन कंपनी है बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन, वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $100 मिलियन और बॉक्स ऑफ 100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $121.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमैन वार्डी के रूप में जिमोन हॉन्सो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुएपर्स दियम वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वार्डी के रूप में बैनू मैन लुकोला को नया वद्रो के रूप में अभिषेक करना, डेविड हर वुड कैप्टन पाइजन के रूप में, बेजामिन कपनाए के रूप में बैसिल वालेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट सिम्स के रूप में माइकल सीन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, कीथियन डी सेमंस डीजे बॉ के रूप में, स्टीफन कॉलिंस राजदूत वाकर के रूप में, मेड के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथस्मेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन थोलोमनेक वैश्या के रूप में, कॉकटेल मॉरियल वैश्या के रूप में, गौरव चोपड़ा फ्रेंच पत्रकार के रूप में, समाचार रिपोर्टर के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेवन यानी कि बिजनेस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरिमेलिन डी के प्रियो बिजनेस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा, एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है, क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सोलोमैन वैंडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है, लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता के
की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है, जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आर्चर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ने असाधारण खुरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से, जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है, दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल, और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन, अलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर, और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, जेनिफर कोनेली, जिमोन हॉर्सो, माइकल शीन, ओनोल्ड वोर्सुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा, इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम, इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड, इसके प्रोडक्शन कंपनी है बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन, वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $171.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमन वाडी के रूप में जिमोन हॉर्सो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुएपर्स, दिया वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वाडी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नयाद वद्रो के रूप में अभिषेक करना है, डेविड वुड कैप्टन पाइजन के रूप में, बेजामिन कपनाय के रूप में बैसिल वॉलेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट, सिम्स के रूप में माइकल सिन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, कीथियन डी सैमंस, डीजे बॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वाकर के रूप में मेट के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथ्समेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन, थोलो मनैक वैश्या के रूप में, कॉकटेस मॉडल वैश्या के रूप में, गौरव चोपड़ा फ्रेंच पत्रकार के रूप में, समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेवन यानी बिनस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरेमेलिन डे के प्रियो बिनस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है।
आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित, एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सुलेमान मैडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया मैडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है, लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आर्चर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है। दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन, एलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, जेनिफर कोनेली, जिमोन हॉर्शो, माइकल शीन, अर्नोल्ड वोसुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है बैडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन वर्चुअल स्टूडियो
प्रारंभिक मनोरंजन समूह और डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर। और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $100 मिलियन बॉक्स ऑफ 100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $121.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमैन वार्डी के रूप में जिमोन हॉन्सो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कोएपर्स, दियम वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वॉर्डी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नयाद वद्रो के रूप में अभिषेक करना है, डेविड हरवुड कैप्टन पाइजन के रूप में, बेजामिन कपनाए के रूप में बैसिल वॉलेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट सिम्स के रूप में माइकल सीन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, कीथियन डी सेमंस, डीजे बॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वॉकर के रूप में मेट के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथ्समेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन थोलोमनेक वैश्या के रूप में, कॉकटेल मॉरियल वैश्या के रूप में, गौरव चोपड़ा फ्रेंच पत्रकार के रूप में, समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेवन यानी कि बिजनेस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरिमेलिन डी के प्रियो बिजनेस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सोलोमैन वैंडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलेमोन
सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है, जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आर्चर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ने असाधारण खुरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से, जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है, दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन, अलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, जेनिफर कोनेली, जिमोन हॉर्सो, माइकल शीन, ओनोल्ड वोर्सुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन, वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $171.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमन वाडी के रूप में जिमोन हॉर्सो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुएपर्स, दिया वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वॉडी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नयाद वद्रो के रूप में अभिषेक करना है, डेविड हरवुड कैप्टन पाइजन के रूप में, बेजामिन कपनाय के रूप में बैसिल वॉलेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट, सिम्स के रूप में माइकल सिन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, कीथियन डी सैमंस, डीजे बॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वाकर के रूप में मेट के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथ्समेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन, थोलो मनैक वैश्या के रूप में कॉकटेस मॉरियल वैश्या के रूप में, गौरव चोपड़ा फ्रेंच पत्रकार के रूप में, समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेवन यानी कि बिजनेस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरिमेलिन डे के प्रियो बिजनेस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो
के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सुलेमान मैडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया मैडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है, लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आचर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है। दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा सी कैबी मिशेल और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स ग्राहम किंग पाउला वैन नेस्टन अलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो जेनिफर कोनेली जिमोन हॉर्सो माइकल शीन अर्नोल्ड वोसुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉल। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बैडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट
और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 100 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफ 100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 121.7 मिलियन डॉलर। और चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमन वाडी के रूप में जिमोन हॉन्सो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कोएपर्स दियम वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वॉटी के रूप में बैनू मैन लुकोला को नया वद्रो के रूप में अभिषेक करना, डेविड हर वुड कैप्टन पाइजन के रूप में, बेजामिन कपनाए के रूप में बैसिल वालेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट सिम्स के रूप में माइकल सिन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर की थियन डी सेमंस, डीजे बॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वॉकर के रूप में मेड के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथस्मेल कमांडर जीरो के रूप में कैडीबोन थोलोमनेक वैश्या के रूप में, कॉकटेल मॉरियल वैश्या के रूप में, गौरव चोपड़ा फ्रेंच पत्रकार के रूप में, समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेवन यानी कि बिनस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरेमेलिन डी कैप्रियो बिनस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा, एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सोलोमैन वैंडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी
हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है, जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आर्चर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में के खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से, जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है, दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन, एलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, जेनिफर कोनेली, जिमोन हॉर्सो, माइकल शीन, ओनोल्ड वोर्सुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन, वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $171.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमैन वार्डी के रूप में जिमोन हॉर्सो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुएपर्स, दिया वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वार्डी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नयाद वद्रो के रूप में अभिषेक करना है डेविड हर वुड, कैप्टन पाइजन के रूप में बेजामिन कपनाई, के रूप में बैसिल वॉलेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट सिम्स, के रूप में माइकल सिन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, कीथियन डी सेमंस, डीजे बॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वाकर के रूप में मेट, के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथ्समेल, कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन, थोलो मनैक वैश्या के रूप में कॉकटेस मॉरियल, वैश्या के रूप में गौरव चोपड़ा, फ्रेंच पत्रकार के रूप में समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेवन यानी कि बिनस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरेमेलिन डे के प्रियो बिनस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियरा
लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सोलोमैन वैंडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है, लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आचर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आचर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है। दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा सी कैबी मिशेल और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स ग्राहम किंग पाउला वैन नेस्टन अलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो जेनिफर कोनेली जिमोन हॉर्सो माइकल शीन अर्नोल्ड वोर्सुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉल। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बैडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $100 मिलियन बॉक्स ऑफ $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $121.7 मिलियन।
और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमन वाडी के रूप में जिमोन हॉन्सो, मैड डी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुए पर्स दियम वेडियो के रूप में कर्नल कोए तजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वॉटी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नया वद्रो के रूप में अभिषेक करना, डेविड हरवुड कैप्टन पाइजन के रूप में, बेजामिन कपनाई के रूप में बैसिल वॉलेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट सिम्स के रूप में माइकल सिन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर्स, किथियन डी सेमंस डिजिबॉ के रूप में, स्टीफन कॉलिंस राजदूत वॉकर के रूप में, मेड के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथस्मेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन, थोलोमनेक वेश्या के रूप में कॉकटेस मॉरियल, वेश्या के रूप में गौरव चोपड़ा, फ्रेंच पत्रकार के रूप में समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेन यानी कि बिनस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरी मेलिन डी के प्रियो बिनस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा, एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित, एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सोलोमैन वैंडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है, लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी
हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है, जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आर्चर को पता चलता है कि सुलेमान, जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से, जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है, दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल, और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन, एलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर, और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, जेनिफर कोनेली, जिमोन हॉर्सो, माइकल शीन, ऑर्नोल्ड वोर्सुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन, वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $171.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमैन वार्डी के रूप में जिमोन हॉर्सो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुएपर्स, दिया वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वार्डी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नयाद वद्रो के रूप में अभिषेक करना है डेविड हर वुड, कैप्टन पाइजन के रूप में बेजामिन कपनाई के रूप में बैसिल वॉलेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट सिम्स के रूप में माइकल सिन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, कीथियन डी सेमंस, डीजे बॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वाकर के रूप में मेट के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथ्समेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन, थोलो मनैक वैश्या के रूप में कॉकटेस मॉरियल, वैश्या के रूप में गौरव चोपड़ा, फ्रेंच पत्रकार के रूप में समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेन यानी बिनस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरेमेलिन डे के प्रियो बिनस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियरा
लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सोलोमैन वैंडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसी 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आर्चर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है। दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा सी कैबी मिशेल और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स ग्राहम किंग पाउला वैन नेस्टन अलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो जेनिफर कोनेली जिमोन हॉर्सो माइकल शीन अर्नोल्ड वोर्सुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बैडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $100 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $171.7 मिलियन।
और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमन वाडी के रूप में जिमोन हॉन्सो, मैड डी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुए पर्स दियम वेडियो के रूप में कर्नल कोए तजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वॉटी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नया वद्रो के रूप में अभिषेक करना, डेविड हरवुड कैप्टन पाइजन के रूप में, बेंजामिन कपनाई के रूप में बैसिल वॉलेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट सिम्स के रूप में माइकल सीन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, किथियन डी सेमंस डिजिबॉ के रूप में, स्टीफन कॉलिंस राजदूत वॉकर के रूप में, मेड के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथस्मेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन, थोलोमनेक वेश्या के रूप में कॉकटेस मॉरियल, वेश्या के रूप में गौरव चोपड़ा, फ्रेंच पत्रकार के रूप में समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेन यानी कि बिजनेस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरी मेलिन डी के प्रियो बिजनेस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा, एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियेरा लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सोलोमैन वैंडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी
हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है, जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आर्चर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में के खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से, जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है, दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा, सी कैबी मिशेल और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स, ग्राहम किंग, पाउला वैन नेस्टन, एलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, जेनिफर कोनेली, जिमोन हॉर्सो, माइकल शीन, ओनोल्ड वोर्सुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन, वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $121.7 मिलियन। और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमैन वार्डी के रूप में जिमोन हॉर्सो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुएपर्स, दिया वेडियो के रूप में कर्नल कोएतजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वार्डी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नयाद वद्रो के रूप में अभिषेक करना है डेविड हर वुड, कैप्टन पाइजन के रूप में बेजामिन कपनाई के रूप में बैसिल वॉलेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट सिम्स के रूप में माइकल सिन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, कीथियन डी सैमंस, डीजे बॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वाकर के रूप में मेट के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथ्समेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन, थोलो मनैक वैश्या के रूप में कॉकटेस मॉरियल वैश्या के रूप में, गौरव चोपड़ा फ्रेंच पत्रकार के रूप में, समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेवन यानी कि बिना सरे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरिमेलिन डे के प्रियो बिना सरे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मछुआरा एक तस्कर और व्यापारियों का एक सिंडिकेट एक अनमोल हीरे के कब्जे से मेल खाता है। आर्चर के बाद एक कहानी, एक आदमी अपनी जड़ों से प्रताड़ित एक मजबूत उत्तरजीवित प्रवृत्ति के साथ उन्होंने संघर्ष हीरो के कारोबार में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया है। सियरा
लियोन में राजनीतिक अशांति व्याप्त है क्योंकि लोग दांत के लिए दांत लड़ते हैं। सुलेमान और सुंदर मैडी से मिलने पर आर्चर का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर के युद्ध के साथ शांति बनाने का मौका दिया जाता है। 1999 में सियेरा लियोन में मछुआरे सोलोमैन वैंडी ने सपना देखा कि उसका छोटा बेटा दिया वैंडी एक डॉक्टर बनेगा। उसके सपना चकनाचूर हो जाता है जब विद्रोही उसके गांव पर आक्रमण करते हैं और हीरा की खदानों में काम करने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। सुलेमान को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है और उसे छुपाते समय विद्रोहियों का कमांडेंट देखता है, लेकिन विद्रोहियों पर हमला हो जाता है और सरकारी सेना द्वारा सोलोमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए घायल कमांडेंट ने कैदियों को बताया कि सोलोमन को पत्थर मिला है और जिम्बाब्वे के भाड़े के तस्कर डैनी आर्चर ने सोलोमन को हीरा रिहा कर दिया है। अपने लापता परिवार द्वारा हीरे का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा दर्शवादी अमेरिका पत्रकार मैडी बोवेन का उपयोग करते हुए डैडी का एक शरणार्थी शिविर में सोलोमन की पत्नी और बेटियों को पता लगता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि उसके बेटे को विद्रोहियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे 1990 के सियेरा लियोन में गृह युद्ध और अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट ब्लड डायमंड डैनी आर्चर की कहानी है। जिम्बाब्वे के एक पूर्व भाड़े और सेल सोलोमन वैडी एक मेडे मछुआरे दोनों पुरुष अफ्रीकी हैं, लेकिन इनका इतिहास जितना अलग हो सकता है जब तक कि उन्हें भाग्य एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का पूर्ण प्राप्त करने के लिए एक सामान्य खोज में शामिल नहीं हो जाता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। तस्करी के लिए जेल में रहते हुए आचर को पता चलता है कि सुलेमान जिससे उसके परिवार के लिए गया था और उससे हीरे में खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था ने असाधारण खोरेदरा पत्थर ढूंढा और छिपाया। एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन की मदद से जिसका आदर्शवाद आर्चर के साथ गहरे संबंध से प्रभावित होता है। दो अलग लोग विद्रोही क्षेत्र के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो सुलेमान को बचा सकती है। चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं ब्लड डायमंड मूवी के बारे में। ब्लड डायमंड ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जीविक और इसे लिखे हैं चार्ल्स लेविटा। स्टोरी दिए चार्ल्स लेविटा सी कैबी मिशेल और इसे प्रोड्यूस किए हैं मार्शल हर्शकोविट्स ग्राहम किंग पाउला वैन नेस्टन अलेक्जेंड्रा ब्रेउल्ट बाउचर और इसे स्टारिंग दिए हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो जेनिफर कोनेली जिमोन हॉर्सो माइकल शीन अर्नोल्ड वोसुल। इसे सिनेमेटोग्राफी दिए हैं एडुआर्डो सेरा। इसे एडिट किया स्टीवन रोसेनबॉम। इसे म्यूजिक दिया जेम्स न्यूटन हाउड। इसके प्रोडक्शन कंपनी है बैडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन वर्चुअल स्टूडियो प्रारंभिक मनोरंजन समूह और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट है 8 दिसंबर 2006। इसका रनिंग टाइम 143 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $100 मिलियन $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $121.7 मिलियन।
और चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो डैनी आर्चर के रूप में, सोलोमन वाडी के रूप में जिमोन हॉन्सो, मैड डी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, कांगिश कुए पर्स दियम वेडियो के रूप में कर्नल कोए, तजी के रूप में एटनी कोलमैन, जर्सी वॉटी के रूप में बैनू मैन, लुकोला को नया वद्रो के रूप में अभिषेक करना, डेविड हर वुड कैप्टन पाइजन के रूप में, बेजामिन कपनाई के रूप में बैसिल वॉलेस, जिमी मिस्त्री नबीली के रूप में रूपर्ट, सिम्स के रूप में माइकल सिन, रोडोल्फ वैन डे कॉपी के रूप में मारियस वेयर, कीथियन डी सेमंस, डिजिबॉ के रूप में स्टीफन कॉलिंस, राजदूत वॉकर के रूप में मेड के रूप में नेट्रा मेविन, कप्तान रैम्बो के रूप में एटो एशार्डो, पर्सी मॉथस्मेल कमांडर जीरो के रूप में कैडिबोन, थोलोमनेक वेश्या के रूप में कॉकटेस मॉरियल, वेश्या के रूप में गौरव चोपड़ा, फ्रेंच पत्रकार के रूप में समाचार रिपोर्ट के रूप में कैलियर हॉलमैन, सैम इलियट के रूप में डेन यानी कि बिनस रे, एयरपोर्ट पर हम महिला के रूप में एरी मेलिन डी के प्रियो बिनस रे। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।